नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हिमांशु राय। जैसा कि आपको पता है, इस समय पूरे विश्व में कोरोना वायरस अपना पैर तेजी से फैला रहा है। इसी बीच कुछ ऐसे बड़ी पार्टी के नेता हैं जो कि कितना भी मना करने के बाद भी खुद नियमों को तोड़ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये सबसे आग्रह किया है कि सोशल डिस्टेंस बनाए, अपने घरों में रहें। 3 मई तक लॉकडाउन का ऐलान भी किया गया है। बावजूद इसके कर्नाटक से एक खबर आई है। मैं आपको बता दूं कि कर्नाटक में पूर्व सीएम एचडी कुमार स्वामी ने अपने बेटे की शादी बड़े ही वीआईपी तरीके से धूमधाम से की है। जी हां, मैं आपको फिर बता दूं, कर्नाटक के पूर्व सीएम एचडी कुमार स्वामी ने अपने बेटे की शादी वीआईपी तरीके से धूमधाम से मनाई है। सबसे बड़ी बात यह रही कि देश में लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना का इतना खौफनाक माहौल है, संक्रमण चल रहा है, इसके बावजूद उन्होंने इस तरह का काम किया है जो कि काफी निंदनीय है। कर्नाटक में 315 केसेस लगभग हो चुके हैं। इसके बावजूद लोगों को संभलने की आवश्यकता है, लेकिन जब पूर्व सीएम इस तरह के कारनामे कर रहा है तो लोगों से किसी भी तरह की उम्मीद नहीं जताई जा सकती है। इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि बीजेपी विधायक एम जयराम, जिन्होंने अपनी बर्थडे पार्टी मनाई थी, उन्होंने भी लॉकडाउन का उल्लंघन किया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सारे अपीलों को दरकिनार कर दिया था। उससे पहले अगर जाएं तो मंजू तिवारी, उन्होंने छत पे फायरिंग की थी। इस तरह के जो हरकतें हो रही हैं, इससे साफ जाहिर है कि जो जिम्मेदार है, जो देश का जिम्मेदार है, वो खुद ये चाहता ही नहीं है कि कभी इन समस्याओं से हमारा देश बाहर हो, क्योंकि ये लापरवाही वही बताती है। आपको बता दें कि उन्होंने जिला प्रशासन से ये बताया था कि वर और वधु दोनों पक्ष से सिर्फ 40 लोग इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। लेकिन हाँ, एक चीज और थी कि रामनगर में उनका जो फर्म हाउस है एचडी कुमार स्वामी का, वहां पे जो कुर्सियां लगाई गई थी वो सोशल डिस्टेंस पे ही लगाई गई थी। लेकिन प्रॉब्लम तब हुई जब 9:15 हो गया, रात में 9:15 से लेकर 9:45 के बीच का जो टाइम था, उसमें जब मंगलसूत्र पहनाने की बारी आई, उस समय सोशल डिस्टेंस खत्म हो गया। मैं आपको बता दूं कि सारे लोग मिलके वर और वधु दोनों को घेर के खड़े हो गए। वहां पे सोशल डिस्टेंस गायब हो गया। वहां लोगों को ये ध्यान नहीं रहा कि हम जो अब तक चीजें बना के रखे थे, कुर्सियां अलग अलग लगाई गई थी, और एक टाइम के बाद सारे लोग वहीं पे आके खड़े हो गए। आज इसी तरह का कुछ केस गोंडा से भी मुझे जानकारी मिली, वहां पे भी एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। यानी कि ये संख्या अगर देखा जाए तो यूपी से लेके और अन्य जगहों पे, अन्य राज्यों में ये चीजें बढ़ रही हैं। इसको ध्यान में रखना चाहिए। जो भी नियम, जो भी लागू किए गए हैं, सरकार जो भी आदेश दे रही है, अपील कर रही है, प्रशासन अपील कर रहा है, उन सबको दरकिनार किया जा रहा है। लोग इस चीज का बिल्कुल ध्यान नहीं रहे हैं, एकदम हल्के में ले रहे हैं कोरोना वायरस को। मैं आपको बता दूं कि पूर्व सीएम, विधायक, सांसद, इस तरह के जो लोग हैं, अगर यही गलती करेंगे, यही समस्याओं को बढ़ावा देंगे, तो बाकी लोग क्या करेंगे? बाकी लोग कितना बचेंगे? कई लोग हैं जो कि दूर दूर से अब भी घरों तक जा रहे हैं, उनको लोग सीधे अपने घरों में पनाह दे दे रहे हैं, किसी को बता नहीं रहे हैं, चीजें छुपा ली जा रही हैं। कौन कौन बाहर से आया है, पूछने पे भी कोई नहीं बता रहा है। प्रशासन पूछताछ कर रहा है, उसको भी नहीं बताया जा रहा है, खुद से भी सूचना नहीं दी जा रही है। याद रखिए कि ऐसे ही लोग कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं, जो कि आपको भी इस संक्रमण का, इस बीमारी का, इस महामारी का एक हिस्सा बना सकते हैं। आप जिस तरीके से चीजों को छुपाते हैं, तो उनका भी यही कहना है, वो भी यही मान बैठे हैं कि वो अपनी जांच नहीं कराएंगे,
किसी को जानकारी नहीं देंगे। लोग शर्मा रहे हैं कि हम किसी को अगर बताएंगे तो लोग कहेंगे ये कोरोना से संक्रमित है। ऐसा बिल्कुल मत करिए। घर जाने से पहले अपनी जांच कराइए, उसकी सूचना प्रशासन को दीजिए। सबसे बड़ी बात कि आपको अभी घर ही नहीं जाना चाहिए, और गांव में अगर आप गए हैं तो गांव के लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है, क्षेत्र के लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि इसकी सूचना तुरंत प्रशासन को दी जानी चाहिए। हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, यही कहावत इस समय बिल्कुल चरितार्थ हो रहा है। चारों तरफ यही माहौल देखने को मिल रहा है, तो ऐसा ना करें। फिलहाल कर्नाटक के पूर्व सीएम एचडी कुमार स्वामी ने जिस तरह से ये शर्मनाक हरकत की है, ये बेहद निंद मुझे कोरोना से कितना खतरा है? कोरोना से डरो ना, सीधे आरोग्य सेतु पर चले आओ ना। अगर आपके आसपास कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति है तो तुरंत ही आपको अलर्ट मिल जाएगा। नहीं है तो टेंशन मत करो ना। कोरोना का एक्यूरेट ट्रैकिंग करता है ये ऐप। ऊपर से हर राज्य के हेल्प डेस्क नंबर्स दिए गए हैं यहाँ पर। आप बस सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो और आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करो ना। छोटा हो या बड़ा, हर फोन में होना चाहिए आरोग्य सेतु ऐप।